बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने सलमान खान, अलवीरा खान और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत के आधार पर सलमान खान, उनकी बहन और बीइंग ह्यूमन के कई अधिकारियों को समन भेजकर जवाब तलब किया। पुलिस को दी गई शिकायत में व्यापारी अरुण गुप्ता ने कहा कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ की लागत से शोरूम खुलवाया, बाद में उनको सामान नहीं भेजा और कंपनी की वेबसाइट भी लंबे समय से बंद पड़ी है। साथ ही कंपनी ने उनकी किसी भी शिकायत पर किसी तरह का जवाब उनको नहीं दिया। उनका बीइंग ह्यूमन कंपनी से बकायदा लिखित में अग्रीमेंट भी है। पुलिस को दी शिकायत में अरुण गुप्ता ने सलमान खान का बिग बॉस का वो वीडियो भी दिया है जिसमें खुद सलमान खान कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में उन्होंने बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का शोरूम खोला। चंडीगढ़ में व्यापारी अरुण गुप्ता ने अपने परिवार के साथ सलमान खान की तस्वीरें दिखाई हैं और बताया गया है कि सलमान खान के भरोसे पे ही उन्होंने इतना भारी भरकम 3 करोड़ का निवेश इस बिजनेस में किया और साल 2018 में चंडीगढ़ में ये शोरूम खोला गया। शोरूम की ओपनिंग पर सलमान खान को खुद आना था लेकिन वो व्यस्त होने के कारण नहीं आए और सलमान ने अपना जीजा आयुष शर्मा को अपनी जगह ओपनिंग पे भेजा। अब इस पूरे मामले में अरुण गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जिस कंपनी स्टाइल क्विंटेड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के पास बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी ब्रांड का पूरा कामकाज है, उसने अपने तमाम दफ्तर और वेबसाइट बंद कर रखे हैं, जबकि फ्रेंचाइजी देते हुए कंपनी की ओर से वादा किया गया था कि तमाम ज्वेलरी का सामान कंपनी की ओर से मुहैया करवाया जाएगा और लगातार बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पूरी मदद की जाएगी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इसी वजह से उन्होंने अब चंडीगढ़ पुलिस से इस पूरे मामले में कंपनी और सलमान खान पर कार्यवाही करने की अपील की है। व्यापारी की शिकायत पर सभी से 10 दिन में जवाब देने को कहा गया है।